हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे कल के ब्लॉग में यानी कि लास्ट ब्लॉग में उत्कर्ष बाबू मिसिंग थे, क्योंकि ये अपने फ्रेंड के घर गए हुए थे, उसका हैप्पी बर्थडे था। तो कल खूब मस्ती हुई है उत्कर्ष की, काफ़ी इन्होंने इंजॉय किया, बहुत खेला है और इतना खेला, इतने थक गए थे कि आज ये 9 बजे सुबह सोकर उठे हैं। कुछ कहना चाहते हो? मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। दास्तां मींस? दास्तां मींस बहुत सारे पन्ने, हट कहानी। तो दोस्तों, ये तो हो गई हंसी मजाक की बातें। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये समय मार्च चल रहा है और नेक्स्ट वीक होली है और आज हमारे यहाँ बादल हैं और काफी ठंडी हवा चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि समर आ रहे हैं या रेनी सीजन आ रहा है। ऐसा लगता है बस अब बरसेगा, अब बरसेगा, अब बरसेगा और यही हाल है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बारिश से तो डर लगने लगा है, जब मैं कुछ करती हूँ तब बारिश हो जाती है। तो ठीक ही है, ज़्यादा तेज गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी का भी अपना एक मज़ा है। अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो वो मज़े सारे रह जाएंगे। ये देखो जरा, ये मौसम का हाल है भाई। ये दोपहर के टाइम में इतना ठंडा ठंडा छाया हुआ है सब। ये है हम लोगों के सूरज भगवान। आज भी कहीं गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों, होली की क्या तैयारी है? होली के लिए मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ एक स्किन केयर जो है शेयर करूंगी। एक प्रोडक्ट है, मैं पहले उसका रिव्यू कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सन प्रोटेक्टर है वो। तो मैं उसी को जो है आप लोगों को आज दिखाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर से उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, मैंने अपने घर में सबको दिया है, सभी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और आप लोग भी उसे यूज़ करके देखिएगा, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। आज के मौसम का फ़ायदा उठा के थोड़े से गमले व्यवस्थित किए हैं ताकि गर्मी से भी उनकी रक्षा हो जाए और हम लोगों की बालकनी भी सुंदर लगने लगे। ये कुछ छोटे छोटे गमले यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं नन्हे नन्हे से, और ये पर्दे को बांध दिया है ताकि हवा से ये टूटे ना। इतने छोटे गमले ना तेज़ हवा से गिर जाते हैं और जो पर्दा उड़ता है उससे उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी थी, तो आज का दिन इसमें मैंने लगा दिया। दोस्तों, मेरा समय हो गया है अपने किचन में जाने का, शाम का समय हो गया है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कुलचा। तो पहले कुलचे के लिए मैं आटा प्रिपेयर कर ले रही हूँ। आटे में मैंने दही डाल लिया है, पिसी हुई चीनी डाल दी है, नमक डाल दिया है और खाने वाला सोडा डाल दिया है दोस्तों, और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी। और जैसे ही हमने इसमें सोडा डाला है, दही के साथ वो एक्टिवेट होने लग गया है। फटाफट हम गुनगुने पानी के साथ आटा गूंथ लेते हैं। जैसा हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं वैसे ही सॉफ्ट आटा लगाना है। मैं गेहूं के आटे से बना रही हूं, आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। और बढ़िया सा आटा गूंथ गया है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसे ढककर रख दूंगी। अभी गुनगुना आटा है क्योंकि गुनगुने पानी से इसे गूंथा है, तो इसे मैं ढककर रख दे रही हूँ। स्टफिंग के लिए मैंने ये 3 आलू ले लिए हैं, हरी मिर्च बारीक काट ली है, प्याज बारीक काट ली है, आलू मैश कर ले रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, प्याज और मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ, चंकी चाट मसाला ऐड करूंगी दोस्तों, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सभी चीज़ें मैं स्टफिंग में यूज़ कर रही हूँ। और हमारा आटा 10-15 मिनट बाद ही खूब अच्छा फूल गया है, तो इसमें स्टफिंग भर के मैं जो है कुलचे बेल ले रही हूँ और नॉनस्टिक पैन पे मैं इसे सेक रही हूँ। मैं इसमें अभी देसी घी लगा रही हूँ दोस्तों, और इसी के ऊपर मैं बटर भी रख के दूंगी, लेकिन कुछ लोग जो है केवल देसी घी वाले खाएंगे, बाकी के लोग बटर के साथ खाएंगे। इसके साथ खाने के लिए मैं चना मसाला बना रही हूँ। चना मसाला के लिए मैंने चने को बॉईल कर लिया है और उसका तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छी बारीक कटी हुई प्याज ले ली है लंबे लंबे स्लाइसेस में, और प्याज प्यूरी ले ली है जिसमें अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च मैंने पीस ली थी दोस्तों। और बस मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, रेगुलर मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मसालों को भुज लेंगे
ऑयल तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला इसलिए ऑयल सेपरेट नहीं होगा, लेकिन ये पानी मैं डालती हूँ, उसी पानी में अच्छी तरह से भून लेती हूँ मसालों को, और चने को डालकर मैं और अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। फिर चना मसाला डालूंगी, थोड़ा सा मैं बीच में पानी भी ऐड कर दे रही हूँ, हल्की सी ग्रेवी लगेगी लुटपुटी सब्जी के लिए। और चना मसाला मैंने एवरेस्ट का इसमें डाला हुआ है, तो ये बिना बटर वाला है और ये बटर वाला मेरा कुलचा तैयार हो गया है दोस्तों। दोस्तों मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही थी वो ये रहा, बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर एडवांस आयुर्वेदा। ये है दोस्तों फॉर ऑल स्किन टाइप है और आयुर्वेदिक रेसिपी है। बायोटिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आयुर्वेदा ही होती हैं और बहुत बेनिफिशियल होती हैं दोस्तों। तो ये जो सनस्क्रीन है ये आपको सन से बचाती है, सन रेज जो होती हैं समर में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और 30+ SPF UVA/UVB दोनों है दोस्तों, और ये सनस्क्रीन है, बहुत ही प्यारा सनस्क्रीन है। मैं इसे 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। इस साल मैंने अपने पूरे घर वालों के लिए इसे मंगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड और देवर दोनों ही धूप में जाते हैं, बच्चा भी बाहर खेलता है तो सबके काम आता है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत थोड़ी सी मात्रा इसकी लगती है, आप जब भी फेस वॉश करें मॉर्निंग में आप इसे लगा लीजिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो भी समर में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन को बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अभी पर्पल पे, नायका पे, सभी पे होली सेल चल रही है, तो ये आपको सेल में इजीली मिल जाएगा, सस्ता। कुछ ना कुछ ऑफर इस पे चलता ही रहता है, कभी 1 get 1 buy 2 get 1 मिल जाएगा, कभी कुछ ना कुछ 20% 30% आपको मिल जाएगा। 199 इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये मुझे जहाँ तक मुझे याद है ये शायद मैंने 150 का खरीदा था, कुछ ऑफर में ही मुझे मिल गया था, तो मैंने इस साल जो है 2 एक साथ मंगा लिए थे। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन ऑफर में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों का डिनर हो गया है, आज हम लोगों ने मसाला चना और कुलचा खाया है, आलू का कुलचा, सभी ने दो दो खा लिया, सबका डिनर हो गया। और आज थोड़ा सा हैवी खाना हो गया है, जल्दी हो गया है, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहे हैं ताकि खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। मुझे आदत नहीं है इतना हैवी फूड खाने की, और जब खा लेती हूँ तो मुझे 2 दिन तो लग जाते हैं उसे ठीक करने में, और ये डर लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा रिएक्शन ना हो जाए। तो डिनर बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी, कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, गुड नाइट।